एमीटर विल रीड द वैल्यू ऑफ करंट। सो इसमें हमको रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना चाहिए सबसे पहले, नेट रेजिस्टेंस कितना बन रहा है। सो दिस 5 एंड 5 विल ऐड टू बिकम 10। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वीट स्टोन ब्रिज जैसी सिचुएशन लग रही है मुझे, है ना। ये ए टू बी का ये वाला जो सेक्शन है इसको आप देखिए, दो रेजिस्टेंसेस ऊपर जा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ टू द पॉइंट सी, और इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ सी और यहाँ डी लिख देता हूँ तो इसके बीच में भी 5 है, इसके बीच में भी 5 है, इसके बीच में भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसका मतलब है ये सेंट्रल रेजिस्टेंस को मैं हटा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 एंड 10, तो ये पूरा सेक्शन वापस पैरेलल में कंबाइन होकर 5 ओम्स का बन जाएगा। तो ये वाला पूरा सेक्शन जो है, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक बात। तो यहाँ पे आपके पास ए से बी सिर्फ दो ही पाथ बचते हैं, एक पाथ जिसमें 5 रेजिस्टेंस है और दूसरा पाथ जिसमें 10 रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5। एक बार इसको इसी सिचुएशन में लिख के छोड़ देते हैं। आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू से मतलब है तो वी इज इक्वल टू आई आर लगा लेते हैं। वी की वैल्यू हमको पता है 10 है, आई हमें निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन 15, ये 0 हट गया। आई की वैल्यू आ जाएगी 15/5, विच इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।